क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ पी4, खोजिए पी4 कहाँ पे, इसका निकालना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पी4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल दिस कंपाउंड, 0.36 मोल दिस कंपाउंड, 0.9 मोल दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। तो आपको बच्चों पता है कि कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन में कितना भी रिएक्टेंट हो, आपको अगर किसी प्रोडक्ट का मोल या मास निकालना है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बिना लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, और अगर आपको एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। कैलकुलेट क्या करना, हम P4 की मोल की बात करें कितना होगा बच्चों, तो P4 का कॉफिशियंट देख लिए कितना है, 3। नीचे क्या आ जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ LR, फिर इसमें गुना क्या आ जाएगा, कॉफिशियंट मोल ऑफ LR। तो मतलब हमें दो चीज़ ढूंढने हैं, यहाँ पे LR कौन है, अगर LR पता चल जाएगा तो उसका कॉफिशियंट भी पता चल जाएगा और फिर उसका अनुसार मोल भी दिया होगा। तो कॉफिशियंट, ये LR पता करने के रूल क्या बताते हैं आपको, रूल ये बताया गया है कि अगर आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो LR कैसे चेक करते हैं हम लोग, या दो भी होगा तो भी एक ही, सब जगह एक ही रूल लगाते हैं, दिए गए मोल में उसके कॉफिशियंट से डिवाइड करते हैं। तब सोचिए कि ये LR जो आएगा एक कम है, इधर साइड में चेक कर लेता हूँ, फिर इसको हम लोग हटा देंगे, 0.1 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो KClO3 के लिए रेशियो, नहीं सॉरी CF5PO4 का होल 3 F के लिए रेशियो आएगा। चलिए पहला का रेशियो आ गया, दूसरे का रेशियो कितना आ जाएगा, 0.9 में आप भागा देंगे किससे, 18 से, इसका कॉफिशियंट देखिए 18 है, क्लियर है, ये 18 है। फिर एक है आपका, सॉरी 0.36 होगा, 0.36 में भागा देंगे 18 से, उसके बाद देखिए 0.90 में भागा दे रहे हैं 30 से, ठीक है। आप यहाँ से देखिए कि ये आपको लग रहा होगा कि ये 0.2 में कट रहा है, ये आपको लग रहा होगा 0.3 में कट रहा है, और ये आपको लग रहा होगा कि 0.1 में 4 से भागा दिया हो भाई, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। इसका मतलब इस तीनों कंपाउंड में लिमिटिंग रिएजेंट यही है, तो जब लिमिटिंग रिएजेंट यही हो गया तो आंसर भी हमारा मिल गया, 3/4, और गुना इसका मोल, इसका मोल है कितना, 0.1, क्लियर है। तो ये आप ऐसे कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 30/40। अब 30/40 का मतलब समझ रहे हैं कितना परसेंट आ जाएगा, सॉरी 3/40, 30/40 ने 3/40, 0.075, मतलब आंसर इसका डी हो गया। ये सब बहुत आसान सवाल है, कोई ज़्यादा है मुश्किल नहीं। 73 भी देखिए क्या बहुत आसान है, इसमें भी बस कहानी बनाया हुआ है, कह रहा क्या कि एक इमरजेंसी मास्क होता था पुराना वाला, जिसके अंदर हम लोग ये कंपाउंड यूज करते थे। अब ये कंपाउंड यूज करने का पर्पस बता रहा है कि इस कंपाउंड में खास बात ये है कि जब ये CO2 के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देता है, और जब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा तो हम फिर उसको वापस गेन कर लेंगे। तो ये कहानी बनाया हुआ, मेन आपका डाटा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये कह रहा क्या कि अगर कोई पर्सन इस मास्क को यूज करता है और वो एक मिनट के अंदर इतना ग्राम CO2 रिलीज करता है, देखिए कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ और इसमें से कोई चीज़ अगर आपसे पूछता है तो किसी न किसी का कुछ ना तो डाटा देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट ये नहीं बता रहा है कि बताइए इतना ग्राम या इतना मोल CO2 के साथ KO2 कितना रिएक्ट करेगा, ये कहानी बना दिया, कहानी ये बनाया है कि इतना ग्राम CO2 पर मिनट वो पर्सन रिलीज करता है। तो कहता 5 मिनट में बताइए कि कितना CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो मास्क में यूज हुआ। तो पहले ये सोचिए ना कि 5 मिनट के अंदर वो कितना CO2 छोड़ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आके करते हैं कैलकुलेशन, इसको मिटा दें क्या, इसको हम हटा देते हैं चूँकि ये तो पिछले सवाल का था कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम इसको अगर करें ना तो हमें पहले ये निकालना होगा टोटल CO2 कितना रिलीज होगा, टोटल CO2 रिलीज, ठीक है, कितने मोल CO2 रिलीज होते हैं, मोल में ही निकाल लेते हैं। मोल में निकालने क्या तरीका होगा बच्चों, आपको देखिए 0.667 / 44, इतना
ग्राम है तो इतना मोल हो गया, लेकिन ये इतना मोल CO2 एक मिनट में आया, हमको तो पूरा चीज़ 5 मिनट में पूछ रहा था, हम सोच लेते हैं 5 मिनट में ये कितना आएगा। तो अगर आप 5 मिनट में अगर निकालेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, 0.066 और ये रहा आपका 7, ठीक है, 0.667 में आप गुना करेंगे 5 से और इसको वापस डिवाइड कर देंगे 44 से, ये आपका बच्चों आ रहा है 0.0757। इतना मोल आपका आ रहा है। आप सोचिए अगर आप 5 मिनट के अंदर इतना मोल CO2 निकाल रहे हैं या वो पर्सन निकाल रहा है, इसका मतलब यही तो हो गया कि इस रिएक्शन में आपको सीधा सीधा मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है। बस इससे यही समझ में आना चाहिए आपको कि अगर इतना मोल CO2 हम लेते हैं तो इसके साथ कितना मोल CO2 रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए अगर आप 4 मोल CO2 ले रहे हैं, 4 मोल CO2 ले रहे हैं, तो इसके लिए कितने मोल KO2 ख़त्म हो जा रहा, 4 ही मोल ख़त्म हो जा रहा, KO2 का भी 4 मोल जा रहा। इसका मतलब अगर आप इसका 1 मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपके पास 5 मिनट के बाद कितने मोल हो गए, 0.0757 मोल हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसके भी KO2 के कितने मोल ख़त्म कर दिए होंगे, तो 0.0577 मोल KO2 के भी ख़त्म होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है कि 5 मिनट के अंदर KO2 का कितना मोल ख़त्म होगा, ये कहाँ से देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप जल्दबाजी में इसको लगा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। उससे पूछा हाउ मेनी ग्राम पूछा, मतलब इसका मास पूछा, तो इसका मास निकालने के लिए आप वापस क्या कर देंगे, 0.0757 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपाउंड के मोलर मास से, और इस कंपाउंड का मोलर मास आपको पता है कितना आ जाएगा, इसका 39 हो जाता है और इसका फिर आ जाएगा 32, चूँकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये आपका आ जाएगा 71। और अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं ना तो ये 5.38 के आसपास आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया।